नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिखा पवार। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे कि जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता स्पेशली, और ये टॉपिक डेथ को लेके है कि अगर कोरोना के टाइम में किसी की डेथ हो जाए तो हमें डेड बॉडी को किस प्रकार से हैंडल करना है। दोस्तों, बहुत ही हैवी हार्ट से, बहुत ही दुखी मन से मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि डॉक्टर साइमन हरक्यूलिस, जिनकी डेथ 20 अप्रैल को हुई थी, उनकी बॉडी को एक प्रॉपर बरियल भी नहीं मिल पाया। He was a great doctor and he was chairman of New Hope Hospital in Chennai. उनकी कोरोना वायरस से डेथ हुई। तो जब उनकी बॉडी को बेरियल के लिए लेके गए तो वहाँ पे लोकल लोगों ने काफ़ी हंगामा मचाया। दोस्तों, ये बात ये नहीं है कि डॉक्टर की बॉडी थी, ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर आपका कोई भी किसी का भी पेशेंट कोरोना पॉजिटिव हो सकता है और उसकी डेथ हो सकती है, तो मुझे नहीं लगता हमें किसी को भी इस प्रकार का फेयरवेल देना चाहिए। इस प्रकार का फेयरवेल तो कोई भी डिजर्व नहीं करता। तो अब ये ऐसा क्यों हुआ, तो मुझे जो लगता है ये सब इग्नोरेंस के कारण है कि हमें पता ही नहीं है हमें ऐसे सिचुएशंस में किस प्रकार एक्ट करना है। तो हम खुद को बचाने के लिए इस प्रकार की चीज़ें करते हैं। तो अब देखते हैं, जानते हैं कि हम डेड बॉडी को किस प्रकार हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हमें ऐसे केसेस में क्या प्रिकॉशंस लेनी है। एंड तो उसी के बारे में आज बात करते हैं। क्या डेड बॉडी इन्फेक्शियस हो सकती है? क्या डेड बॉडी आपको कोरोना वायरस दे सकती है? तो देखिए दोस्तों, डेड बॉडी इन्फेक्शियस होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर किसी की कोरोना से डेथ हुई है तो वो डेड बॉडी इन्फेक्शियस है, लेकिन हमें उसमें भी डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हॉस्पिटल से डेड बॉडी पैक होती है तो उसको इस प्रकार से पैक और सील किया जाता है कि वो बॉडी दूसरों को इन्फेक्शन ना फैला सके। सो प्रॉपर क्लीनिंग के बाद बॉडी को प्लास्टिक बैग में पैक करते हैं और उसके बाद उस बैग को भी ऊपर से सैनिटाइज कर दिया जाता है हाइपो से। उसके बाद उसको भी एक प्लास्टिक शीट में रैप किया जाता है। सो इस प्रकार ये सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद जो वो बॉडी है वो बेसिकली अब आपको इन्फेक्शन नहीं फैला सकती। आपको इन्फेक्शन जब भी होगा जब आप बॉडी को टच करेंगे या बॉडी के बॉडी फ्लूइड्स को आप टच करेंगे या ब्लड के टच में आएंगे। लेकिन अगर बॉडी ठीक से पैक होके हॉस्पिटल से निकल रही है तो उसमें आपका कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं है। सो अगर आप क्रीमेशन ग्राउंड पे जा रहे हैं, ऐसी बॉडीज को हम क्रीमेट भी कर सकते हैं और बेरी भी कर सकते हैं, मतलब यानी कि हम उनको प्रॉपर हिंदू विधि से जला भी सकते हैं और मुस्लिम विधि से हम उनको बरी भी कर सकते हैं। प्रिफर होगा कि जलाई जाए, बट सबके अपने अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं। सो दिस डिपेंड्स अपॉन द फैमिली, फैमिली अपने लव्ड वन की बॉडी का क्या करना चाहती है। सो वंस द बॉडी कम्स टू द क्रीमेशन ग्राउंड, जिस व्हीकल में वो ट्रांसपोर्ट हुई है उस व्हीकल को भी आप 1% हाइपो से सैनिटाइज करने का या टर्नल क्लीनिंग करने का रूल है कि आप उसको उससे क्लीन कर लें टर्नल क्लीनिंग से। और दोस्तों, ये जब मैं आपको बता रही हूँ, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये सारी गाइडलाइंस बनाई हैं बॉडी की हैंडलिंग। दोस्तों, बॉडी अगर एक बार क्रीमेशन ग्राउंड में आ गई है तो उसके बाद उसको जो क्रीमेट कर रहे हैं उसके बाद एक अंतिम दर्शन के लिए बॉडी को अनजिप करके फैमिली मेंबर्स को एक बार दिखा सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। दूसरा, अगर कोई भी रिलीजियस रिचुअल आपको परफॉर्म करना है, जैसे कि पानी छिड़कना है या फिर फूल चढ़ाने हैं, तो वो आप कर सकते हैं, बट बॉडी को प्रेफरेबली टच ना करें। सो ये प्रिकॉशन आपको लेनी है। उसके अलावा बेरियल ग्राउंड पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ना इकट्ठी करें, क्योंकि हो सकता है कि कोई और मेंबर भी फैमिली का इन्फेक्टेड हो, तो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन करें। और इसके अलावा ये सब करने के बाद अगर आपने बॉडी को मतलब क्रीमेट किया है, यानी कि आपने बॉडी को जलाया है, तो उसके बाद जो उसकी एशेज हैं, मतलब जब अस्थि लेने आप जाएं तो आप आराम से अस्थि लेके आ सकते हैं, जो उसकी अस्थियां हैं वो इन्फेक्टेड नहीं होती हैं। बस इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी स्टेप को आप कर रहे हैं तो आप हैंड हाइजीन फॉलो करें, और जो लोग बॉडी को लेके आ रहे हैं बेसिकली एम्बुलेंस में से, उनको ग्लव्स पहनने हैं और हैंड हाइजीन फॉलो करनी है। सो ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, और अगर हमें इन चीज़ों का खबर होगी, हमें पता होगा कि ये बॉडी चल के मतलब डेथ होने के बाद ऐसे इन्फेक्शन नहीं फैला सकती, और अगर उसको अच्छे से पैक कर देंगे तो बिल्कुल भी इन्फेक्शियस नहीं है हमारे लिए। तो आई थिंक ये सब इतना दुखदपूर्ण हादसा नहीं होता, क्योंकि जो लोग इस टाइम पे हमारी मदद कर रहे हैं स्पेशली ऐसे हॉस्पिटल्स में जाके, और जो भी बाहर रह रहे हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर्स की भी डेथ हो रही है, उन लोगों को इतना इतना दुखदपूर्ण उनके साथ, उनकी बॉडीज के साथ ऐसा ना हो। सो ये मेरी आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस प्रकार का इंसिडेंस किसी के साथ भी ना हो। और देखिए दोस्तों, इन द एंड किसी के साथ भी बुरा घट सकता है, बट अगर हमें पता है कि चीज़ों को हमें किस प्रकार हैंडल करना है, तो हम ये सब चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं।